गाइस न्यूज इवेंटन आने वाला है ना, उससे किल करने के बाद एक डेंजरस टाइप का बिच्छू जैसा आता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। न्यू इवेंटन वर्सेस ओल्ड इवेंटन। तो गाइस क्या आपको पता है कि भैया कौन सा बेस्ट यानी कौन सा पावरफुल होने वाला है? गाइस शायद आप लोगों को पता होगा कि भैया हमारे फ्री फायर के अंदर और एक न्यू इवेंटन का स्किन आने वाला है। तो गाइस आज मैं आप लोगों को ये न्यू इवेंटन कब आने वाला है ये तो बताएंगे, उसके साथ साथ जो ओल्ड इवेंटन होता है ना उसके साथ ये न्यू इवेंटन का जो कम्पेयर करके दिखाएंगे कि भैया कौन सा बेस्ट होने वाला है। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, आज मैं आप लोगों को आने वाला बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स या फिर अपडेट के बारे में बताएंगे जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोग ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट या फिर अपडेट के बारे में वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो गाइस आप लोग जब भी गेम ओपन करते हो लोडिंग स्क्रीन में आप लोगों को ये गन स्किन देखने को मिलता होगा। तो गाइस ये इवो M10 का स्किन। तो गाइस समझ रहे हो ना, अभी ये जल्दी आने वाला है, तो कब आने वाला है ये मैं आप लोगों को आगे बताएंगे। उसके पहले तो आप लोगों को और एक न्यू लेजेंडरी इवो बंडल देखने को मिलेगा, जैसे कि FFWS का न्यू लेजेंडरी बंडल आया था ना, ऐसे आप लोगों को और एक न्यू लेजेंडरी बंडल देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो गाइस ये है न्यू लेजेंडरी बंडल टेलर, यानी जब गेम के अंदर आएगा ना आप लोगों को ऐसा टेलर देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो था ना न्यू लेजेंडरी बंडल का जो होता है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टोटल 5 बंडल देखने को मिलेगा आप लोगों को। लेजेंडरी बंडल का 5 बंडल होने वाला है। और सबसे मेन जो बंडल होता है ना वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो रेड कलर का बंडल होता है ना ये आप लोगों को देखने को मिलेगा लेजेंडरी बंडल के साथ। ये गाइस सबसे मेन बंडल होने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल यानी बेसिक वाला बंडल देखने को मिलेगा, यानी फेडरेटल इवेंट्स निकलने के बाद आप लोगों को ये नॉर्मल वाला बंडल मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को बाकी बंडल वगैरह अपग्रेड करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ ब्लू टाइप का बंडल देखने को मिलता होगा, ये भी आप लोगों को इस लेजेंडरी बंडल के साथ ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को और एक येलो बंडल भी देखने को मिलेगा। तो गाइस ये सरगसरा आप लोगों को एक ही साथ देखने को मिलेगा, लेकिन ये सरगसरा अपग्रेड करना पड़ेगा। कैसे अपग्रेड करना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को आगे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को और एक पर्पल टाइप का बंडल देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये बंडल वगैरह भी आप लोग देख सकते हो, ये सरगसरा लेजेंडरी बंडल होने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों को और एक रेड टाइप का बंडल देखने को मिलेगा, दो दो रेड टाइप का बंडल होने वाला है, ये सरगसरा आप लोगों को एक लेजेंडरी बंडल के साथ देखने को मिलेगा। और गाइस जैसे कि हर लेजेंडरी बंडल के साथ आप लोगों को इमोट देखने को मिलता है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आप लोगों को न्यू लेजेंडरी बंडल के साथ देखने को मिलेगा, यानी तीन तीन इमोट होने वाला है। सबसे पहला वाला जो इमोट होता है ना वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बहुत ही बिच्छू टाइप का इमोट वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी लेजेंडरी बंडल जो होता है ना वो बिच्छू टाइप का होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को और एक इमोट देखने को मिलेगा, यानी सॉरी ये इमोट नहीं है, एक एनिमेशन होने वाला है भाई, देख सकते हो बहुत ही ओपी टाइप का एनिमेशन, ये भी आप लोगों को लेजेंडरी यानी बंडल के साथ ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारा का सारा लेने के लिए आप लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा, टोकन से अपग्रेड करना पड़ेगा, ये इमोट या फिर एनिमेशन वगैरह लेने के लिए आप लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को और एक नॉर्मल टाइप का इमोट देखने को मिलेगा, ये भी देख सकते हो, ये भी बिच्छू टाइप का इमोट है जो कि आप लोगों को लेजेंडरी बंडल के साथ देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को और एक नॉर्मल इमोट देखने को मिलेगा, ये भी आप लोगों को शायद लेजेंडरी बंडल के साथ या फिर टॉप अप इवेंट वगैरह में आने वाला है। और उसके बाद गाइस इस लेजेंडरी बंडल के थीम के ऊपर आप लोगों को और एक फिश का स्किन भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये भी इस लेजेंडरी बंडल के थीम के ऊपर होने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों को और एक कटाना का स्किन भी देखने को मिलेगा, ये सारा का सारा एक ही थीम के ऊपर आने वाला है। यानी जब इसका इवेंट आएगा ना, मतलब लेजेंडरी बंडल का इवेंट आएगा ना, तब आप लोगों को ये सारा का सारा आइटम वगैरह देखने को मिलेगा एक एक करके। सो गाइस जो भी हो अभी बात कर लेते हो न्यू इवेंटन के बारे में, उसके बाद में आप लोगों को इसका ओल्ड इवेंटन के साथ डिफरेंस भी दिखेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नॉर्मल लुक के अंदर आप लोगों को इवेंटन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई क्या ही ओपी टाइप के एनिमेशन वगैरह आता है, ये है मैक्स लेवल का लुक। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 2 लेवल के अंदर आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा भाई साहब, देख सकते हो। उसके बाद 3 लेवल के अंदर आप लोगों को कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग जब 4 लेवल पे जाओगे ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ हीट इफेक्ट वगैरह देखने को मिलेगा। और गाइस उसके बाद लेवल 6 के अंदर आप लोगों को यहाँ पर किल इफेक्ट देखने को मिलेगा। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप लोगों को जो होता है ना फायरिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को बुलेट ट्रायल मतलब एक ऑप्शन आने वाला है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेवल 6 का लुक। और गाइस यहाँ पर जो होता है ना रिलोड स्पीड, लेवल 6 के अंदर जो होता है ना एक एबिलिटी है रिलोड स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लेवल 7 के अंदर आता है इमोट, यानी जो इवो M10 का न्यू इवो M10 आने वाला है उसका जो इमोट होता है ना वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद गाइस लेवल 8 के अंदर एक न्यू सीज आने वाला है भाई, एक न्यू सीज है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर समझाएंगे। उसके पहले तो ये जो होता है ना लेवल 8 के अंदर जो होता है ना, अगर आप लोग एक एनिमी को किल करते हो ना, तो भाई क्या बताओ बिच्छू जैसा कुछ, मतलब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। उसके पहले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा और एनिमेशन वगैरह देखने को मिलेगा लेवल 8 के अंदर। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लेवल 8 का जो मेन पावर होता है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग इनामी को किल करते हो ना, मतलब लास्ट 3 इनामी को किल करते हो ना, उसके बाद बिच्छू टाइप का कुछ आएगा, यहाँ पर देखना भाई साहब, देख सकते हो ना क्या ही। तो गाइस अभी आप लोगों को उनमें जरूर कुछ नया होगा कि भैया कौन सा इबोगन बेस्ट होने वाला है। तो देखो गाइस न्यू इबोगन में मैक्स लेवल पे आप लोगों को रेट ऑफ फायर डबल देखने को मिलेगा, और ओल्ड इबोगन में भी सेम रेट ऑफ फायर। न्यू इबोगन में आर्मर प्रोटेक्शन सिंगल प्लस, लेकिन ओल्ड इबोगन में डैमेज सिंगल प्लस। और न्यू इबोगन में मूवमेंट स्पीड माइनस, लेकिन ओल्ड इबोगन में रिलेटिव स्पीड माइनस। तो समझ सकते हो ना कितना डिफरेंस होने वाला है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास ओल्ड वाला
M10 का स्किन भी है ना, तो मतलब न्यू वाला से बेटर है, समझ रहे हो ना। और गाइस जो ओल्ड इवोगन का इमोट होता है ना, वो मेरा नहीं मतलब सब लोगों का फेवरेट है, समझ रहे हो ना। ये इमोट जो होता है ना ये बहुत ही रेयर है, लेकिन जो न्यू इमोट मतलब न्यू इवोगन का इमोट होता है ना वो इतना भी अच्छा नहीं है। हाँ ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। हाँ कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट वगैरह है, लेवल 8 का है, बहुत ज्यादा डायमंड काटने वाला है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर लेवल 8 के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा इफेक्ट वगैरह देखने को मिलेगा, जैसे कि ये बिच्छू भाई, समझ रहे हो ना। अभी गाइस अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि भैया ये M10 का स्किन आप लोगों को कब देखने को मिलेगा, तो गाइस अभी आप लोगों को अल्वारो का इवेंट देखने को मिलेगा, एवेकिंग अल्वारो का। ये इवेंट खत्म होने के बाद ही आप लोगों को जो होता है ना इसका इवेंट देखने को मिलेगा, यानी इवोगान या फिर इवो बंडल का इवेंट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को ये M10 का स्किन देखने को मिलेगा। तो गाइस लेजेंडरी बंडल का जब इवेंट आएगा, वो लेजेंडरी बंडल का अपग्रेड करने के लिए आप लोगों को कुछ टोकन वगैरह चाहिए, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और साथ ही साथ आप लोगों को टोकन के अंदर से डायरेक्टली लेजेंडरी बंडल भी मिल सकता है। जैसे कि आप लोगों को हर बार मतलब एफएडब्ल्यूएस का लेजेंडरी बंडल आया था ना, इसे आप लोगों को यहाँ पर टोकन से भी एक्सचेंज करने का मौका मतलब टोकन से भी अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोग अभी गेम ओपन करके लेफ्ट सेक्शन चेक करते हो ना, तो आप लोगों को और एक न्यू हाइपर बुक देखने को मिलेगा। तो अगर जो हाइपर बुक होता है ना ये आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा, और अगर जो हाइपर बुक के अंदर क्या क्या रिवॉर्ड होने वाला है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोग जो होता है ना अभी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जाके खुद गेम के अंदर जाके चेक करना, आप लोगों को लेफ्ट के अंदर हाइपर बुक के अंदर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी ये न्यू हाइपर बुक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इस हाइपर बुक के अंदर आप लोगों को जितना भी रिवॉर्ड वगैरह देखने को मिलेगा, ग्रोजा देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर और एक न्यू इमोट देखने को मिलेगा, और लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर जो ग्लोएल का स्किन होता है ना वो भी आप लोगों को इस हाइपर बुक के अंदर देखने को मिलेगा। और गाइस हाइपर बुक वगैरह अपग्रेड करने के लिए भी टोकन चाहिए, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और गाइस जिसके मैं आप लोगों को बोला था कि भैया अपडेट के बाद आप लोगों को और एक न्यू लुक सेंजर इमोट देखने को मिलेगा, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है न्यू लुक सेंजर इमोट, जो कि आप लोगों को कुछ लेजेंडरी बंडल जैसा देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी तक कन्फर्म नहीं है, शायद ये लेजेंडरी बंडल के साथ भी आ सकता है, या फिर कोई अलग टाइप का इवेंट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। जो भी लुक सेंजर इमोट आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ आप लोगों को हर अपडेट की तरह इस अपडेट के अंदर भी आप लोगों को और भी बहुत सारे इमोट देखने को मिलेगा। जहाँ से ये सारे इमोट का रिव्यू मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो में दे दिया था, फिर भी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर एक नंबर वाला इमोट देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर इमोट नंबर 2 में आप लोगों को जो रमदान स्पेशल इवेंट आने वाला है ना, उसके स्पेशल में आप लोगों को इमोट देखने को मिलेगा। और जो इमोट नंबर 3 होता है ना, ये बहुत ही फनी टाइप का इमोट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई क्या ही कैसे डांस वगैरह कर रहा है भाई, क्या बताओ, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद इमोट नंबर 4 के अंदर मैं आप लोगों को जैसे कि पहले ही दिखा दिया था, ये आप लोगों को लेजेंडरी बंडल के साथ देखने को मिलेगा, मतलब ये इमोट आप लोगों को लेजेंडरी बंडल जो आने वाला है उसके साथ देखने को मिलेगा। और गाइस जो इमोट नंबर 6 होता है ना, ये आप लोगों को जो न्यू लेजेंडरी बंडल आने वाला है ना उसके साथ देखने को मिलेगा, यानी उसका इवेंट के साथ देखने को मिलेगा। और गाइस जो इमोट नंबर 6 होने वाला है ना, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया था, आप लोगों को पता होगा जो हाइपर बुक आने वाला है ना, हाइपर बुक के अंदर आप लोगों को इमोट देखने को मिलेगा, यानी हाइपर बुक के साथ इमोट आने वाला है। और उसके बाद इमोट नंबर 7 में आप लोगों को और एक बहुत ही ओपी टाइप का इमोट देखने को मिलेगा, यानी अल्वारो इवेंट का मतलब अल्वारो इवेंट का इमोट। और उसके बाद इमोट नंबर 8 के अंदर आप लोगों को और एक फनी टाइप का इमोट देखने को मिलेगा, भाई कैसे डांस कर रहे हैं भाई। तो गाइस ये सारा इमोट आप लोगों को धीरे धीरे करके एक एक इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद इमोट नंबर 9, इमोट नंबर जो 9 होता है ना, ये मेरे को बहुत ही ओपी टाइप का लगा गाइस, यहाँ पर देख सकते हो भाई, मतलब ये बहुत ही ओपी टाइप का इमोट है, आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों को कैसा लगा ये मेरे को कमेंट में बताना जरूर। उसके बाद गाइस आप लोगों को और एक फनी टाइप का इमोट देखने को मिलेगा, यानी इमोट नंबर 10 के अंदर यहाँ पर देख सकते हो भाई क्या डांस कर रहा है, ये भी थोड़ा फनी टाइप का इमोट है। और उसके बाद आप लोगों को जो लास्ट में होता है ना इमोट नंबर 11 के अंदर, भाई ये जो इमोट होता है ना ये सबसे बेस्ट इमोट है, यानी ये लेजेंडरी बंडल का इमोट है, लेजेंडरी बंडल जो आने वाला है ना उसके साथ आप लोगों को इमोट देखने को मिलेगा, और एक ग्रुप डांस वाला इमोट होने वाला है। तो देखो गाइस ये सारा का सारा इमोट या फिर जो न्यू लेजेंडरी बंडल आने वाला है ना, वो सारा का सारा आप लोगों को जो अल्वारो इवेंट होता है ना वो खत्म होने के बाद या फिर उसके साथ साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आने लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।